मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ंतु रही हूँ। पढ़ाई करना मुझे बहुत पसंद है। बचपन से ही स्कूल और ट्यूशन के फ्रेंड सब मुझसे ही अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। कभी क्लासेस के बाद नोट्स ले लेना या उनके साथ बैठकर उनके डाउट्स क्लियर करना, उन सब की मदद करने पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी खुद की ही प्रैक्टिस हो रही है। मेरे स्कूल और ट्यूशन के टीचर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा तो होता ही है कि जो बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता है, टीचर्स उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से कभी कभी वो मुझे अपने कुछ काम भी दे देते हैं, या जब वो क्लासेस में ना हो तो बाकी बच्चों के डाउट्स क्लियर करने वो मुझे कह देते हैं। और मुझे उनकी जगह लेने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी की भी पढ़ाई में मदद करने में मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। बचपन से लेकर अभी तक कभी भी मेरे मॉम डैड ने मुझ पर कभी पढ़ाई को लेकर मुझे कभी प्रेशराइज़ भी नहीं किया, और ना ही कभी मुझे फोर्स किया पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टडीज़ में मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं अपने सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। और वो मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं कि उन्हें पता ही है कि मैं चाहे कैसा भी पढ़ूँ, टॉप 3 में तो मैं आसानी से आ ही जाऊँगी। हर साल मैं कभी टॉप करती हूँ तो या कभी टॉप 3 के अंडर आ जाती हूँ। ज़्यादा पढ़ंतु होने की वजह से मेरे ऐसे कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बस सब डाउट्स क्लियर कराने के लिए ही मेरे पास आते हैं। और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे स्टडीज़ पसंद है और मेरे लिए वही इनफ है। ऐसे तो मेरे स्कूल और ट्यूशन में बहुत ज़्यादा ही होशियार बच्चे हैं, सभी बहुत ज़्यादा होशियार हैं। हर साल अगर कोई नया बच्चा एडमिशन भी लेता है तो वो भी हमारे टक्कर का होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव। लेकिन इस साल जो लड़की हमारी क्लास में आई थी वो बहुत ज़्यादा ही डरी डरी रहती थी, और वो यहाँ के कॉम्पिटिटिव माहौल को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका नाम कोमल था। ऐसे तो हमारे ट्यूशन टीचर सभी को बहुत प्यार से ही पढ़ाते हैं, उन्हें कभी गुस्सा होने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनकी बताई बातें हम सब बहुत आसानी से समझ जाते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। लेकिन वो सर कोमल पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते थे, क्योंकि वो चाहकर भी उनकी बातें समझ ही नहीं पाती थी और उसके मार्क्स आ ही नहीं पाते थे। सर आए दिन उसे डांटा करते थे और उसे बस यही कहते थे कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कोमल हर दिन डरी डरी और सहमी सी रहती थी, और वो चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती थी। मैं रोज़ उसे ऑब्ज़र्व करती थी और मैं उसकी मदद करना भी चाहती थी, लेकिन मैं सामने से उससे कैसे ही बात करती, मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। रोज़ रोज़ ऐसा ही चलने लगा। वो ट्यूशन तो रोज़ आती थी और बहुत कोशिश भी करती थी कि पढ़ाई कर सके, बट उससे हो ही नहीं पाता था, और वो रोज़ सर की डांट खाती थी। एक दिन की ही बात है, मैं ट्यूशन में अपनी जगह पर बैठी थी और हम सब सर के आने का वेट कर रहे थे, कि तभी मैंने देखा कि कोमल मेरे बाजू में ही बैठी थी और वो रो रही थी। मैंने उसे देखा पर मैंने उसे कुछ कहा नहीं। उसे रोते रोते बहुत ज़्यादा ही समय हो गया था, तो मैंने कैसे भी करके हिम्मत की और उससे पूछा कि क्या हो गया है कोमल, तुम क्यों रो रही हो। तब उसने मेरी तरफ़ देखा, अपने आंसू वगैरह पोंछे और फिर मुझसे कहा कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और उसके घर वाले भी उसे बहुत डांटते हैं इस वजह से। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, सर की बातें समझ ही नहीं पाती और क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाती। उसको ये डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले महीने जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें वो पक्का फेल हो जाएगी, और वो यही सब सोच कर रो रही थी। मुझे उसकी ये हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं उसकी मदद करना चाहती थी। तो मैंने थोड़ी देर बैठकर सोचा और फिर कोमल से कहा कि अगर तुम्हें सर की बताई बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम अगर कंफर्टेबल हो तो आज शाम को मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, तुम्हें अच्छे से समझा दूँगी। ये सुनकर कोमल थोड़ा रिलीव हो गई थी और वो मेरी तरफ देखने लगी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर मुझसे कहा कि शाम को मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ही उसके घर चले जाऊँ। मैंने उसकी प्रॉब्लम को समझा और फिर मैंने उसकी बातों से एग्री कर लिया।
थोड़ी ही देर में हम अच्छे दोस्त बन गए। हमने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज कर लिए और फिर ट्यूशन ख़त्म होने के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद मम्मी ने मेरे लिए बहुत टेस्टी सा खाना बनाया था, मैंने उसे खाया, थोड़ी देर अपने फ़ोन में टाइम पास किया और बस अपने रूम में ही बैठी हुई थी। मैं अपना फ़ोन चला ही रही थी कि तभी मुझे मैसेज आया और मैंने देखा कि वो कोमल का मैसेज था। उसने मुझे हाय लिखा था और अपने घर की लोकेशन सेंड की थी। मैंने देखा कि शाम भी होने वाली है तो मैं फटाफट रेडी हो गई और उसके लोकेशन के हिसाब से उसके घर तक पहुँच गई। उसका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना वॉक कर ही जाया जाए। जैसे ही मैं उसके लोकेशन तक पहुंची, वो लोकेशन बहुत वियर्ड थी। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ही वीरान टाइप लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर मैं अंदर चली गई। जब मैं अंदर गई और जब मैं उनके फ्लैट नंबर तक पहुँच गई तब मैंने नॉक किया। थोड़ी देर में कोमल ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गई। अंदर जाकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, अंदर सब कुछ बहुत डार्क था। उनके वॉल का कलर, उनकी सीलिंग, मतलब सब कुछ बहुत ही अजीब था, पेंटिंग्स या जो कुछ भी उनके घर में थी। थोड़ी देर में कोमल ने मुझसे कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो मैं वहीं सामने हॉल में बैठ गई और उसका वेट करने लगी। थोड़ी देर में कोमल मेरे पास आई और वो मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि उसने कुछ किया मेरे साथ, मुझे कुछ कट करने की आवाज़ आई। जैसे ही मुझे ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ मैं तुरंत ही खड़े हो गई और उस पर गुस्सा करने लगी कि तुम पागल हो क्या, क्या कर रही हो। ऐसा कहकर मैं गुस्से में उठी और फिर वॉशरूम चली गई। वहाँ जाकर जब मैंने मिरर में देखा तो मेरे पीछे से बाल कटे हुए थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैं तुरंत ही बाहर गई और कोमल को आवाज़ देने लगी। जब उसने मुझे आंसर नहीं किया तो मैंने देखा कि एक रूम से उजाला आ रहा है। मैं उस रूम में चली गई। जब मैं वहाँ गई तो वो रूम में पूरा अंधेरा था और वहाँ मोमबत्तियों से बस उजाला था। वहाँ पर एक आंटी बैठी थी, शायद वो उसकी मम्मी थी, और उनके सामने एक क्रिस्टल बॉल था जो कि चमक रहा था और वो बहुत गुस्से में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही थी। और वहीं उनके पास कोमल भी बैठी थी एक मोमबत्ती लेकर। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी लेकिन मैंने कैसे भी हिम्मत जुटाई और मैं उन पर चिल्लाने लगी कि ये सब क्या हरकतें हैं और आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने वहाँ टेबल पर देखा, वो क्रिस्टल बॉल के पास मेरे बाल भी रखे हुए थे। मैं घबरा भी गई थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। मैंने कोमल को चिल्लाया और कोमल मुझसे कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं गुस्से से वहाँ से निकली और तुरंत अपने घर भाग गई। घर जाने के बाद थोड़े टाइम पर ही मैं वो सब बातें भूल गई और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही मैंने नोटिस किया कि मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। मेरा अब पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैं जब भी पढ़ने बैठती थी तो मुझे या तो नींद आती थी या फिर फ़ोन चलाने का मन करता था। थोड़े दिन के बाद हमारे एग्ज़ाम्स थे और फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो मैंने देखा कि मेरे सिर्फ 40% आए थे। ये देखकर मुझे मेरे मॉम डैड से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी कि जो लड़की टॉप करती थी वो ऐसे घटिया मार्क्स कैसे लेकर आ सकती है। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बकवास दिन था। मैं उस दिन बस पूरे दिन बस रोई थी। उस दिन मैंने अपनी दोस्त काजल को भी कॉल किया था और उसके 82% आए थे और उसी से ही मुझे पता चला कि वो लड़की कोमल उसके 99% आए थे और उसने टॉप किया है। ये जानने के बाद मैं आगे कुछ कह ही नहीं पाई, मैं बस चुप हो गई। इस घटना के बाद मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी कि मैंने ब्लैक मैजिक पे आज तक कभी बिलीव नहीं किया था लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वो मुझे ब्लैक मैजिक से कुछ कम नहीं लग रही थी। आप ही बताएं कि ये क्या हो सकता है।